नमस्कार दोस्तों, जय हिंद आप सभी को। देखिए आज हम लोग बात करेंगे एसएससी जीके 2015 के लिए। बहुत सारे हमारे जो भाई बहन जो भी है वो सब भाई बहन बार बार वीडियो पे कमेंट करके बोल रहे हैं कि भाई आप 2015 के लिए क्या सब कुछ भूल गई हो, अब तो कुछ कोई वीडियो भी नहीं है इंटरनेट पर अपलोड कर रही हो आपके चैनल पर। तो प्लीज़ आप वीडियो अपलोड करो 2015 के लिए, क्योंकि हम लोग देखिए कोई अपडेट नहीं दे रही है और क्या होंगे क्या नहीं होंगे ये सब कुछ भाई प्लीज़ अपडेट के साथ बताओ। तो नमस्कार आप सभी को, मैं हूँ सुरजीत और आप सभी को वेलकम हमारे एस फॉर सिंपल यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले आप लोगों को बात करती हूँ और वो अच्छी तरफ से आप लोग सुन लीजिए। देखिए एसएससी जीजी जो कांस्टेबल जीजी ठीक है 2015 की थी, जो सेकेंड लिस्ट के लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट जो एडवोकेट है उनके नाम है राजीव कुमार पाल। ये तो आपको पता होंगे, राजीव कुमार पाल जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक एडवोकेट है उनके थ्रू ये सब कोर्ट केस किया गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट पर। लेकिन 2015 की जो ये दोस्तों कोर्ट केस किया था 2018 में, ठीक है, नहीं तो दोस्तों ये सब लोग 2017 में ये कोर्ट केस कर दिया था, 17 नहीं तो 18 ये यहाँ पे कोर्ट केस कर दिया था, नहीं तो उससे भी पहले शायद ये सब लोग कोर्ट केस कर दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में। और इनके जो भी एडवोकेट है, इन एडवोकेट के नाम है दोस्तों राजीव कुमार पाल। तो इनके कॉन्टैक्ट नंबर में भी इस वीडियो में एकदम अच्छी तरफ से क्लियर कर दूंगी, लास्ट में बताऊंगी, नहीं तो वीडियो अच्छी तरफ से देखो कहीं भी आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे। तो दोस्तों क्या है, राजीव कुमार पाल जी ने जो भी अपडेट किया था तो कोर्ट केस करने के लिए, तो कोर्ट ने तो ऑर्डर दे दिया 7052 पोस्ट पर एसएससी जीजी 2015 की कैंडिडेट को एसएससी को ज्वाइनिंग देना पड़ेगा ये किसी भी हाल में। और दोस्तों जब मैंने एक आरटीआई करके एक वीडियो अपलोड किया था एसएससी जीजी 2015 के लिए, तो वहाँ पे दोस्तों क्या किया बताया गया कि 2015 वाले जो भी कैंडिडेट थी यानी कि कोर्ट केस किया था, तो वो सब कोर्ट केस करने वालों कैंडिडेट के लिए जो 7,552 पोस्ट है उस पोस्ट में तो उन लोगों को सिलेक्शन देना पड़ेगा, ज्वाइनिंग देना पड़ेगा। तो यहाँ पे और भी बहुत लोग, थोड़ी सी ब्रेक लेता हूँ ठीक है गाइज, तो ये टीवी शो नहीं जिसके लिए कोई एडवर्ट चलेगी, थोड़ी सी ब्रेक लेता हूँ और अच्छी तरफ से सुन लो। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ब्रेक इसलिए ले रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ना लोगों को कॉल करने के बाद उनके साथ पैसे कलेक्ट कर रही है और बोल रही है कि भाई पैसे दो जल्द से जल्द, उनके बाद ही आपको मेरिट लिस्ट पे नाम आएगी। तो ये सब चीज़ से आप दूर रहे क्योंकि ये एकदम झूठ है, कोई आपके साथ स्कैम करने की कोशिश करे तो ये सब से दूर रहे ठीक है। तो जो भाई कोर्ट केस किया था उनके तो ज़रूर होंगे, और जो नहीं किया था अगर उनके नंबर अच्छी है तो शायद अगर उसके किस्मत पे है तो जल्द से जल्द उनके भी हो जाएगी। अब बात करते हैं कि 2015 वाले जो 7052 पोस्ट है जिसके लिए कोर्ट ने ऑर्डर किया था, और जब हमने एक आरटीआई करके जब इन वीडियो अपलोड किया था तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन के साथ मैंने बताया था कि आरटीआई के थ्रू वहाँ पे बताया गया कि ज्वाइनिंग के जो लिस्ट है दोस्तों ये लिस्ट एसएससी को सेंड कर दिया कोर्ट के थ्रू, और ये लिस्ट एमएच ऑफिस पर भी सेंड कर दिया यानी जहाँ से भी ये सब सेंट्रल की काम होते हैं तो उन लोगों को सेंड कर दिया। और सेंड करने के बाद उनको बताया था कि जल्द से जल्द इन सारे लोगों को ज्वाइनिंग में शामिल करो, नहीं तो इन लोगों को ज्वाइनिंग लेटर दीजिए और दोस्तों उसके बाद ये सब लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिलेगी ठीक है, क्योंकि ये कोर्ट के थ्रू एमएच के ऑफिस एक कॉपी गया था और एसएससी के अंदर एक कॉपी गया था। तो एसएससी के जो भी प्रोसेस इतने लेट क्यों हो रही है तो आप जानते होंगे, क्योंकि एसएससी बहुत सारे स्कैम करते हैं और अभी भी कर रही है ठीक है। तो ये जो प्रोसेस अभी दोस्तों, एक फाइनल आपको अपडेट देता हूँ, शायद जनवरी के जो फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक के अंदर इन सारे कैंडिडेट को ज्वाइनिंग लेटर मिलेगी ज़रूर, और इनके खिलाफ एक लिस्ट भी एसएससी के वेबसाइट में रिलीज होंगे। डेट को पता चल गई
क्योंकि हो सकता है जनवरी के सेकेंड वीक या फर्स्ट वीक में एसएससी को रिलीज करना पड़ेगा, नहीं तो दोस्तों कोर्ट इनके खिलाफ एक्शन लेगी और ये 100% मैं बोल रही हूँ, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन के साथ मिला है इसलिए दोस्तों आपको मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो अब आपको बताते हूँ कि हमारे जो कोर्ट केस करने वाले जो भी भाई बहन जो भी थे, जो एडवोकेट के साथ कोर्ट केस किया था राजीव कुमार पाल, ठीक है, तो उनके फ़ोन नंबर मैं अभी वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे बोल रही हूँ, सॉरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन पर तो ज़रूर दे दूँगा, शायद आपको वहाँ पे मिल जाएगी, नहीं तो दोस्तों यहाँ पे आपको मैं बोल रही हूँ, आप अच्छी तरह से सुन लीजिए। फ़ोन नंबर है उनके 93, नंबर को थोड़ा सा नोट कर लीजिए, 9368267447, फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, 9368267447, ऐसे है उनके फ़ोन नंबर, एक नंबर है ये। ठीक है, अब सेकंड नंबर भी मैं आपको दे रही हूँ, वो भी थोड़ा सा आप कलेक्ट कर लीजिए दोस्तों। सेकंड नंबर है 8533029010, 8533029001, ये सेकंड नंबर है। दोनों नंबर आपको साथ मैंने शेयर कर दिया, तो शायद आप लोग मैसेज भी कर सकते हो और कांटेक्ट भी कर सकते हो उनके साथ, चाहे तो आप पूछ लीजिए उनके से, जो भी आपके कोर्ट कर केस करने वाला था, जो भी एडवोकेट थे उनके पूछ लीजिए आप, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो भी एडवोकेट है राजीव कुमार पाल। ठीक है दोस्तों, वीडियोस अगर आपको अच्छे लगे प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि ये जो कोर्ट जो मैंने नंबर दिया था आपको, इस नंबर को आप वीडियो के साथ शेयर करें, लोगों को मिल जाएगी और डेट भी आपको मिल जाएगी। सो जय हिंद, और मुलाकात होगी दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए अच्छे रहे, सुस्त रहे और बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, गुड बाय गाइज।